ठीक है, एक वक्त के लिए तो स्वामी रामदेव जी, आयुष मंत्रालय ने भी आपसे योगा करा ही दिया। उन्होंने कहा कि नाक ऐसी नहीं, सीधी नहीं, पीछे से हाथ लाकर पकड़ो, और आप उसके लिए तैयार हो गए। तो अपनों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए ना। प्रधानमंत्री अपने हैं, आयुष मंत्री अपने, आयुष मंत्रालय अपना, ये सरकार जो है एक अच्छे राष्ट्रवादी विचार की सरकार है, इसलिए हम तकरार नहीं कर रहे हैं, हम प्यार से कह रहे हैं। ठीक है भाई, आपको यदि क्योर कहने में आपत्ति है तो उसको मैनेजमेंट कह लो, ट्रीटमेंट कह लो, कोरोना पेशेंट नेगेटिव हो गए कह लो, लेकिन लोगों को खाने तो दो। अभी आपने कहा 5,85,000 के पार चला गया, कोरोना का रफ्तार इतनी बढ़ रही है, उसको ब्रेक कैसे लगाएंगे? जो पेशेंट ये दवा ले लेंगे, मैं आपको सच कहता हूं, हमने ई सिम्टोमेटिक चाहे वो माइल्ड मॉडरेट पेशेंट ऊपर ये काम किया, वो सीरियस होने से बच जाएंगे, लोगों की जान बच जाए। आफत आई पड़ी है लोगों की जिंदगी के ऊपर, एक बार जिसको कोरोना जाता उससे पूछ करके दे दो क्या उसकी जिंदगी के हालात क्या होती है। ऐसे उन लोगों को यदि हम बचाने का काम कर रहे हैं तो अंजना जी ये विशुद्ध रूप से मानव सेवा है, और इसके अलावा इसके पीछे कोई स्वार्थ की भावना नहीं है, विशुद्ध रूप से परमार्थ की भावना है। यदि मैं इस कोरोनिल दवा की बात करूं, इसके अंदर यदि पूरा हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर की रिसर्च की ये सारी कोस्ट डालते तो एलोपैथी वाले जैसे 5,000 के एक एक गोली बेच रहे हैं, 5,000 का एक एक कैप्सूल, 500 रुपए के एक एक गोली बेच रहे हैं, हम भी बेचते, लेकिन हमने कहा दवा बेचना हमारा मकसद नहीं, लोगों को बचाना हमारा मकसद है, इस काम को करते रहेंगे। अंजना जी, स्वामी जी, अब दो सवाल जो कि हर किसी के मन में है, क्योंकि आपकी दवा आने के बाद कई लोग मुझसे मिले जिनसे मैं बातचीत भी कर रही थी, लोग जानकारी हासिल कर रहे थे। नंबर एक, क्या अभी भी आप क्लैरिटी से स्टैंड पर हैं कि आप कह रहे हैं कि ये इलाज है, ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नहीं है? और दूसरा पक्ष इस सवाल का, क्या आपने अपने सभी ट्रायल्स जो किए हैं जिसमें आप दावा कर रहे हैं कि 3 दिन में 69% और फिर उसके बाद आने वाले 7 दिन में 10 दिन में 100% लोग ठीक हुए, ये सभी माइल्ड सिम्टम यानी हल्के लक्षण वाले ही कोरोना के मरीज थे? देखो, पहली बात, ये इलाज है, आज भी कह रहा हूं, हमने जो पहले कहा 69% 3 दिन में, 7 दिन के अंदर 100% रिकवर हुए, नेगेटिव हुए, आज भी कह रहा हूं, और सत्य मेरे कहने से न कहने से, किसी के ताकत से, किसी की सत्ता से, किसी की सरकार से सत्य प्रभावित नहीं होते, सत्य तथ्यों पर चलते। तो जो मैंने कल कहा था वो कल भी सच था, आज भी सच है, परसों भी सच रहेगा, क्योंकि वो तथ्यों पर आधारित था, और इसलिए इसमें कोई किसी प्रकार की इधर उधर यदि एक शब्द का भी है कोई हेरा फेरी करता है तो ये नाइंसाफी होगी। दूसरी बात जो आपने कही ये सच है, हमने ई सिम्टोमेटिक माइल्ड मॉडरेट पेशेंटों पर ये कार्य किया, लेकिन वही ई सिम्टोमेटिक माइल्ड मॉडरेट पेशेंट अगले दिन, ये मेरे सामने कैमरामैन खड़ा है, इसी का फूफा शाम तक ई सिम्टोमेटिक था, अगले दिन सीरियस होकर के दवा पहुंचने से पहले ही मर गया। तो भाई ऐसे लोगों को यदि हम बचा सके, जो एसिम्प्टोमेटिक है, माइल्ड मॉडरेट है, उनको सीरियस होने से बचा सके, तो इसमें हानि क्या है? और उसके साथ साथ जिन जो कारण होते हैं, साइटोकाइंस का जो तूफान उठता है, उसमें IL-6 है, TNF जो है, अल्फा है, वायरस लोड है, और तमाम तरह के जो सिम्टम्स हैं वो यदि नीचे आ रहे हैं, और सारे जो है डेटा वो बोलते हैं कि इसका असर हो रहा है, और इसके सारे सिम्टम्स जो है वो खत्म हो जाते हैं, कोरोना के जो दुष्प्रभाव है शरीर के अंदर वो खत्म हो जाते हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है अंजना जी।